हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एसिड ऑक्सैलिकम के बारे में। यह कॉम्परेटिव मटेरिया मेडिका बाय डॉक्टर एनसी घोष की पुस्तक से ली गई है, तो हम आज इसी के बारे में बातचीत करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एसिड ऑक्सैलिकम रेवंद चीनी वगैरह से उत्पन्न एक विषाक्त तेजाब होता है। सन 1844 ईस्वी में डॉक्टर चार्ल्स न्यूहार्ड ने इसकी परीक्षा की और उससे इसमें पाकस्थली और आंतों का प्रबल प्रदाह, साथ ही नाड़ी की चाल अनियमित, बेहोशी, शीत आना, अकड़न आदि कितने ही लक्षण उत्पन्न हुए। इससे स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुदंड का प्रदाह पैदा होता है और मोटर सेंटर यानी गति केंद्र का पक्षाघात होता है। गला, छाती और श्वास नली के आक्षेप की वजह से श्वास कष्ट होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, गला फंस जाता है और स्वर भंग होता है। इसके मानसिक लक्षण, मन में बहुत आनंद होना, कोई भी विषय मन में पैदा होते ही तुरंत कार्य में परिणित करना, किसी बीमारी के विषय में सोचते ही उसका उत्पन्न हो जाना, नीचे लिखी गई बीमारियों में यह लाभदायक है। दर्द, प्रायः आधे इंच से लेकर एक इंच तक शरीर की किसी एक छोटी सी जगह पर तेज दर्द जो बहुत जल्दी जल्दी पैदा होता है और छूट जाता है, बहुत थोड़ी देर तक ठहरता है, यहाँ तक कि कुछ सेकंड से अधिक नहीं ठहरता। गठिया वात की तरह का दर्द, इसमें संधियों में भी खूब दर्द होता है, पर जिनके पेशाब में ऑक्सैलेट्स रहता है उनकी बीमारी में यह अधिक लाभ करता है। कमर का दर्द, कुल्हे और पीठ तक फैल जाता है। रोगी सोया रहे या बैठा, चाहे जिस किसी अवस्था में रहे, उस अवस्था को बदल देने से दर्द कुछ घट जाता है। वात का दर्द शरीर की बाईं ओर अधिक होता है। एसिड नाइट्रोम्यूर 3 से 4 बूंद दिन में 3 बार, ऑक्सैलुरिया, पेशाब धुआं की तरह होना, यूरेथ्रा में जलन आदि की दवा है। स्नायुशूल का दर्द मेरुदंड के यानी स्पाइनल स्नायुशूल में रोगी में अंग प्रत्यंग हिलाने की शक्ति लुप्त हो जाती है। अंडकोश के स्पर्मेटिक कॉर्ड में स्नायुशूल का दर्द होना, जिसमें जरा हिलते डोलते ही जान से निकलने लगती है। अंडकोश भारी और ऐसा मालूम होता है मानो कुचल गया है। हृदपिंड की बीमारी यानी हृदय की बीमारी, कलेजे में तेज धड़कन के साथ श्वास में तकलीफ होना, हृदय के पास सभी समय मानो कुछ छटपट करता है, रात में सोने पर यह बहुत बढ़ जाता है। बाएं फेफड़े और हृदय के पास खोंचा मारने की तरह बेतरह का दर्द, इस दर्द से बचने के लिए रोगी बड़े कष्ट से खींच कर सांस लेता है और फिर प्रश्वास जोर से छोड़ देता है। एंजाइना पेक्टोरिस यानी हृदय शूल, इसका लक्षण ग्लोनोइन अध्याय में हृदय की बीमारी में आप देख सकते हैं। अतिसार यानी डायरिया, पानी की तरह पतले और बहुत ज़्यादा परिमाण में दस्त, रक्त और आँव मिले पतले दस्त, कभी कभी केवल आँव उसके साथ ही दस्त आने के पहले और दस्त के समय नाभि की जगह पर ऐठन की तरह का तेज दर्द होना, इसमें दस्त के बाद कभी कभी जी मिचलाता है, दस्त ज़्यादा आने पर पैर की पोटली में ऐठन होती है, रोग हैजा के इससे लक्षणों में परिणत हो जाता है। अम्लशूल का दर्द नाभि के स्थान पर नाभि के ऊपरी भाग में पेट में कॉलिक यानी शूल का दर्द होना, जो भोजन के 2 घंटे बाद आरंभ होता है। पेट फूल उठता है, पेट में वायु इकट्ठी होती है, यकृत के स्थान पर सुई गड़ने की तरह दर्द होता है। तलपट में यानी पेड़ों में किसी एक छोटी सी जगह पर जलन होती है, खट्टी तीखी या स्वाद शून्य डकारें आती है, मुंह से लार बहता है, पेट का दर्द छूटते ही बढ़ता है। गले से पेट तक जलन, गति ऊपर की ओर, जलन विहीन, खट्टी व तीती कह होना, इन सारे लक्षणों में एसिड ऑक्सैलिकम बहुत अच्छा काम करती है। हैजा में आवाज बैठ जाना, कष्ट से सांस लेना, कलेजा धड़कना, हृदय में दर्द होना। वृद्ध रात के 3 बजे बाईं ओर
जरा सा छूने पर रोग के विषय में सोचने से वृद्धि होती है। इसके बारे में संबंध की बात करें तो यह आर्सेनिक कैल्शियम अर्जेंटम मेट पिक्रिक एसिड के समान है और यह क्रम 6 से लेकर के 30 और 200 पोटेंशियल तक यूज की जाती है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी रही आज एसिड ऑक्जेलिकम के बारे में और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आप लोग के फायदे में रहेगी, आपके काम आएगी और आपके साथ साथ में और भी जो भी आपके जानने वाले लोग हैं उनके भी ये काम आ सकती हो तो आप ज़रूर उनको शेयर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।